इस वक्त मैं हूँ अपने बुआ के घर और इस छोटी सी वीडियो के राही मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग मिलके ऑयस्टर मशरूम की सब्जी बना रहे हैं। तो पहले बुआ ने बताया कि दाल और छोले बने हुए हैं, तो मैं ये ऑयस्टर मशरूम्स लेके आया था। वैसे तो जो ऑयस्टर मशरूम रहती है, वैसे आपको पता है कि बहुत सारी वीडियोज़ इसकी मैंने बनाई हैं कैसे ये उगती हैं और कैसे आप इसके पकौड़े और इसको ड्राई करके और इसके जो पाउडर बना सकते हैं और चीज़ें इसको बना सकते हैं। तो बहुत सारे मुझे फ़ोन, खास करके जब ऑयस्टर मशरूम का सीज़न होता है तो बहुत सारे फ़ोन मुझे आते हैं कि हमें भी ऑयस्टर मशरूम उगाना सीखना है। इनफैक्ट मुझे आज भी एक फ़ोन आया बॉम्बे से कि उनको ऑयस्टर मशरूम का सेटअप लगाना है। तो मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ जैसे, तो बहुत सारे स्कूल्स में कम्युनिटी के साथ, फार्मर्स के साथ हम लोग ऑयस्टर मशरूम्स प्रमोट करते हैं। तो अभी जून का महीना है तो गर्मी में भी ऑयस्टर मशरूम्स कुछ इलाकों में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा पंजाब में खूब बारिश हुई, तो मेरे घर पे जो मेरे फूड फॉरेस्ट में जो ऑयस्टर मशरूम की जो स्पेंट कंपोस्ट होती है वो हम लोग जनरली मल्चिंग में यूज़ करते हैं। तो ये एक हमने पेड़ काटा हुआ था, तो जो नीम का हमारे पेड़ है फूड फॉरेस्ट में, डेक का, तो उसका हमने पेड़ काटा था तो 3 साल पहले, तो उसके ये अभी ट्रंक में, तो जो वो डेड ट्री का जो स्टंप था, जो मतलब वो लकड़ बची हुई थी, तो उस पे ये अपने आप ऑयस्टर मशरूम्स उगाई। तो आप जैसे देखेंगे कि कितना बड़ा इसका साइज़ है। तो ये वाइट ऑयस्टर मशरूम है और आपको पता है कि ऑयस्टर मशरूम्स के कितने फ़ायदे हैं। तो अभी हम लोग इसकी बनाने लगे हैं सब्जी। तो आप देखेंगे कि ये मैंने इसके फ्लेक्स बना लिए हैं, तो फ्लेक्स बना लिए हैं। और इधर हमने ये बुआ ने प्याज और टमाटर और मिर्च काट लिया। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये पानी बॉयल कर लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया, और ये जो फ्लेक्स हैं क्योंकि ये हमने खुद नहीं ग्रो किए तो इस पर थोड़ा सा मिट्टी भी थी, तो इसको हम लोग सिर्फ आधे मिनट के लिए एक बार इसको यहाँ हम लोग इसको स्टरलाइज कर रहे हैं और इससे थोड़ा सा मशरूम भी गल जाएगी। तो इसको हम आधा घंटा रख के अभी, और वैसे अभी हीट भी क्योंकि बॉयल हमने कर लिया तो हीट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम लोग आधा घंटा नमक वाले पानी में रखेंगे, उससे मशरूम जो है थोड़ी सी गल भी जाएगी और स्टरलाइज भी हो जाएगी। जो इस पे आप देखेंगे कि जो ये मिट्टी है तो ये भी सारी जड़ गई। तो ऑयस्टर मशरूम्स के फ्लेक्स भी हम लोग बहुत सारे बनाए हुए हैं और बहुत सारे हमने लोगों को बताया कि आप ऑयस्टर मशरूम के फ्लेक भी बना के, जैसे आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर फ्लेक्स हैं और इसको आप इनफेक्ट ऐसे ही इसको 2 मिनट उबाल के आप इसको डायरेक्ट सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप इसको जो पास्ता है, नूडल है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग आप देखेंगे कि इसको 1 मिनट रख के और इसको गर्म पानी से निकाल के इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे सुखाने के लिए रख देंगे, और इसको आप ठंडे पानी के साथ भी थोड़ा सा अभी वॉश कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिनेंटल और इटालियन फूड है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग अपना जो प्याज टमाटर है उसको सोटे कर रहे हैं। अब वो आप सोटे करो इधर। तो ये हमने हीट ऑन कर लिया, तो प्याज टमाटर और मिर्च आप देखेंगे कि घी डाल लिया। तो सोटे मतलब इसको अभी हम लोग भून के और फिर उसमें जो ऑयस्टर मशरूम है वो हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने प्याज भून लिया है और इसके बाद अभी हम लोग जो मिर्च और टमाटर है इसको सोटे करके, और यहाँ हमने मसाले जैसे रखे हैं तो हल्दी, नमक, मिर्च, और ये हम लोग टेस्ट के लिए जो मैगी मसाला आता है वो भी हम लोग डाल रहे हैं। तो ये तो प्याज और टमाटर भूनने के बाद जो हमने ये ऑयस्टर मशरूम्स के जो, तो ये जो ऑयस्टर मशरूम्स के फ्लेक्स थे इसमें थोड़ा सा पानी था वो मैंने निकाल दिया, और अभी हम लोग इसको अच्छे से जो प्याज टमाटर हमने भुना था उसके बीच में उसके फ्लेक्स जो हैं वो हम लोग मिक्स कर लेंगे।
टेस्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें जो सोया सॉस है वो मिक्स कर रहे हैं। तो ये हम लोग चिंग्स की डार्क सोया सॉस लेके आए थे, प्लस थोड़ा सा चिली विनेगर है। तो ये मैंने फोक लिया, तो इससे हम लोग अच्छी तरह जैसे, तो आप देखेंगे कि ये एक तरह से नूडल टाइप भी बन गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कितना सुंदर ये नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल चाइनीज़ फूड की तरह ये नज़र आ रहा है। वैसे चाइनीज़ फूड में ये बहुत पॉपुलर है। तो इस प्रकार अभी हम लोग इसको 2 मिनट के लिए ढक, तो आप देखेंगे यहाँ ये बनके ओयस्टर मशरूम बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप इसका रंग रूप देखेंगे, बहुत ही अच्छी बनी है ये। और अभी बुआ टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है ये। टेस्ट की में बुआ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल नूडल्स लग रहे हैं। और तो आप भी इस प्रकार ओयस्टर मशरूम ग्रो कर सकते हैं और बना सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और वीडियो में मैंने और भी डिटेल शेयर किए हैं, तो आप डिटेल से कैसे इस मशरूम को उगाना है, कौन से सीज़न में उगाना है और कैसे, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।